तो आज हम बात करेंगे एक गूगल के बजट फ़ोन के बारे में। जी हाँ, सही सुने आप, गूगल का एक बजट फ़ोन आने वाला है जो कि आएगा जनवरी के अंदर, यानी कि 2019 में आपको देखने को मिल जाएगा। जनवरी के अंदर ही मिलेगा, ये लगभग कंफर्म हो चुका है। कोई कोई बता रहे थे कि फेबर के अंदर आएगा, लेकिन जहाँ तक न्यूज आ रहा है वो जनवरी के अंदर आपको देखने का मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं आज गूगल पिक्सल 3 लाइट के बारे में। तो ये लाइटर वेरिएंट है जो कि पिक्सल 3, पिक्सल एक्सल जो कि लॉन्च हो चुका है, उसका लाइटर वेरिएंट है। क्या कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पे, बहुत सारे लीक्स रूमर आ रहे हैं, उसका बहुत सारे पिक्चर्स भी लीक्स हो चुके हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो हम डिज़ाइन की बात करते हैं। तो डिज़ाइन वाइज ये अलग दिखेगा पिक्सल से, पिक्सल का जो पिक्सल 3 है उससे अलग दिखेगा, इवन पिक्सल 2 था उससे भी अलग दिखेगा, क्योंकि ये यूनिबॉडी डिज़ाइन है, यानी कि पीछे की तरफ एक ही प्लास्टिक मटेरियल मिलेगा आपको, जो कि लगभग पोको का जैसा डिज़ाइन है उस तरह तो नहीं है, लेकिन प्लास्टिक का है तो उसी तरह दिखाई देगा आपको। लेकिन डिज़ाइन बहुत ही अच्छा दिख रहा है, आप फोटो भी देख सकते हैं किस तरह दिख रहा है। अब बात करते हैं हम स्क्रीन के बारे में। तो यहाँ पे आपको 5.45 इंच का FHD प्लस वाला डिस्प्ले मिल रहा है। जी हाँ, ये 18:9 है, क्योंकि आजकल तो ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पर आपको नॉस देखने को नहीं मिलेगा, जो कि अच्छा लगता है, क्योंकि नॉस देखने से अगर आप ऐसे मोबाइल देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब यूज करोगे तो विदाउट नॉच वाला फ़ोन ज़्यादातर अच्छा दिखता है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको नॉच नहीं मिलेगा। 5.45 इंच का फुल एचडी प्लस वाला डिस्प्ले मिल रहा है, IPS पैनल लगा हुआ है यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे AMOLED आपको नहीं मिलेगा, IPS पैनल मिलेगा यहाँ पे आपको। रैम रोम की बात करते हैं तो 4GB की रैम मिलेगा और 64GB की स्टोरेज के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो स्टोरेज मिल रहा है वो UFS 2.1 वाला स्टोरेज मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे बहुत ही अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज मिल रहा है, जो कि आपको पोको F1 बजट सेगमेंट के अंदर बात करें तो पोको F1 में मिलता है, उसके बाद ऑनर प्ले में मिलता है, ऑनर प्ले जो कि 90,000 के अंदर में मिल जाता है आपको, उसमें मिलता है, और हायर एंड जो फ़ोन आते हैं उसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ जो उसका रोम रहेगा वो EMC 5 वाला रोम मिलेगा, यानी कि यहाँ पे फास्ट मिल रहा है। तो लगभग उसको ऐसा बनाया गया है कि उसका जो हार्डवेयर है, जो आप जब आप ट्रांसफ़र करते हैं कोई भी चीज़, तो स्मूथली और फास्टली हो जाए, इसीलिए यहाँ पे ये सब आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं हम प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर यहाँ पे आपको लेटेस्ट प्रोसेसर 670 मिल रहा है। जी हाँ, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 670 प्रोसेसर मिल रहा है, विथ एड्रेनो का GPU यहाँ पे आपको मिलेगा। और कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 13+5 का कैमरा सेटअप मिलेगा, यानी कि पीछे की तरफ सिंगल कैमरा मिलेगा, यहाँ पे आपको डुअल कैमरा नहीं मिलेगा। और पिक्सल के जितने भी फ़ोन आते हैं सब में आपको सिंगल कैमरा में मिलता है, लेकिन जो कैमरा का क्वालिटी होता है बहुत ही अच्छा होता है, हाई क्वालिटी का कैमरा क्वालिटी वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो मान के चलिए 13 MP का कैमरा जो आएगा वो आपको जो पोको फ़ोन हो गया या फिर OnePlus हो गया, जो भी 20 MP 16 MP कैमरा थे उससे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आपको डिफर दिखेगा, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और क्या कुछ एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वो तो एंड्रॉयड गूगल का फ़ोन है, तो एंड्रॉयड 9 के ऊपर ही आएगा वो, यानी कि एंड्रॉयड P आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाता है, जी हाँ, जो कि पिक्सल सीरीज में आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन पिक्सल लाइट जो है क्योंकि बजट सेगमेंट है तो इसीलिए साइज से यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक मिलेगा, USB Type-C मिलेगा, और ये जो चार्जिंग है ये सपोर्ट करेगा क्योंकि 670 प्रोसेसर के साथ आता है, तो QC4 को ही सपोर्ट करेगा, यानी क्विक चार्ज क्वालकॉम का जो है वो 4 को यहाँ पे सपोर्ट करेगा ये। और आखिर में बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3000 mAh है, क्योंकि 29150 mAh यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो अप्रॉक्स हम 3000 mAh का बैटरी मान के चल जाते हैं। ये था दोस्तों जो कि 2019 में पहले फ़ोन लॉन्च होगा गूगल का, वो है पिक्सल लाइट, उसका कहानी, क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल फ़ोन प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ आएगा और बहुत सारे कलर के साथ आने वाला है, क्योंकि प्लास्टिक है तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे कलर आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन फोटो जितने भी आ रहे हैं सब व्हाइट कलर का आ रहा है। और जो बटन है, जैसे कि पिक्सल 3 में आपको जो बटन रहता है, पावर बटन रहता है, वो बहुत सारे डिफरेंट कलर में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे फोटो में तो बहुत सारे कलर देखने को आपको मिलेंगे बटन के वाइज, लेकिन ओवरऑल मुझे जहाँ तक लगता है जो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है तो बहुत सारे ऑरेंज रेड करके बहुत सारे कलर में देखने को मिल जाएंगे। अब बजट बता रहा हूँ उतना टाइम में, तो इसका प्राइस कितना हो सकता है, तो इसका जो प्राइस एक्सपेक्टेड किया जा रहा है 28,000 से लेकर 35,000 के अंदर आने वाला है। जी हाँ, बजट का मतलब इसका उतना ही होता है, जैसे आईफोन का बजट मतलब 50,000 चला जाता है, तो इसी तरह गूगल का बजट फ़ोन मतलब 28,000 से 35,000 के अंदर हो सकता है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो के थ्रू कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला है तो लाइक कीजिए, और इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं टेक पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।